नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेट नोटेशन. नोटेशन मीन्स लिखने का तरीका. अ सेट कैन बी रिटन इन थ्री डिफरेंट वेज. लेट्स टेक अ सेट. ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा. जो इसके एलिमेंट्स हैं उसे ब्रेसिस में क्लोज किया जाएगा. इस मेथड को कहा जाता है टेबुलर फॉर्म. अगर टेबुलर फॉर्म को डिस्क्राइब करके यानी वर्ड्स में लिखा जाए तो इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसी सेट को लिखा जाएगा. ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमने ब्रेसेस यानी कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज़ की. अगर हम इसे थर्ड फॉर्म जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं उसमें लिखेंगे तो देखिएगा कि कैसे लिखा जाता है. ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट्स एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द ब्रैकेट एंड्स हियर. यहाँ इसे याद रखेंगे कि जो हमने वेरिएबल एक्स लिखा आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं. आप कह सकते हैं वाई सच दैट वाई इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स. या आप कह सकते हैं पी सच दैट पी इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. पहला सेट हम लेते हैं टेबुलर फॉर्म में. सपोज करते हैं कि एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5. या हम इसे कह सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 4. जब हम बात करेंगे सेट बिल्डर नोटेशन की जिसे हम बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, इसमें लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 5. या इसे लिखा जा सकता है एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज अप टू 4. यहां आप ध्यान से देखिएगा कि लेस देन 5 के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया गया और अप टू 4 के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया गया. एक और एग्जाम्पल और आखिरी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि तीन मुख्तलिफ तरीकों से सेट को कैसे लिखा जाता है. लेट्स टेक अ सेट इन टेबुलर फॉर्म. अगर हम कहें कि एक सेट के एलिमेंट्स हैं 4, 5 एंड 6. नाउ लेट्स राइट इट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 4 to 6. सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखते हैं. एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7. और हम क्या कहेंगे, एक और तरीके से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट इज फ्रॉम 4 to 6. यहां पे भी आप ध्यान से देखिएगा कि फ्रॉम 4 to 6 कैसे लिखा गया और ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7 को कैसे लिखा गया. अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करते हैं. नल सेट जिसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं. इट मीन्स अ सेट विच हैज गॉट नो एलिमेंट. एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो उसे नल सेट कहते हैं. नल सेट को दो मुख्तलिफ तरीकों से लिखते हैं और आप देख सकते हैं कि इनके लिए क्या सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन यहां आप याद रखिएगा कि आप इन दोनों मेथड्स को आपस में कंबाइन करके नहीं लिख सकते. फिर हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की. अगर मैं कहूं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि नेचुरल नंबर हो और वो 1 से कम हो. इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0, तो ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जो 0 से कम हो. तो ये एम्प्टी सेट्स बनाएंगे. फाइनाइट सेट कहते हैं ऐसे सेट को जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. यानी
उन एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है. अ सेट विच हैज गॉट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द सेट ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट्स ऑफ अशम्स पब्लिक स्कूल, या हम कहते हैं 1, 2, 3, 4 and up to 100. ये एक सेट है जो कि फाइनाइट सेट कहलाएगा. फाइनाइट सेट के ऑपोजिट इनफाइनाइट सेट है. इनफाइनाइट सेट का मतलब अ सेट विच हैज गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट ना किया जा सके. जैसे द सेट ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, हम गिन नहीं सकते कि आसमान पे कितने तारे हैं, तो इसे हम इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे. या मैं अगर कहूँ कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स कहाँ ख़त्म होते हैं, ये भी इनफाइनाइट है. फिर हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स की. इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं. ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं. जैसे अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपस में इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे. और इक्विवेलेंट सेट्स को लिखने का तरीका आप सामने देख सकते हैं. अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझना चाहें तो हम कहेंगे कि 2 or more sets which have got the same number of elements are called equivalent sets. Equivalent sets में elements का same होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी quantity बराबर होनी चाहिए. इसे हम 1-to-1 correspondence भी कहते हैं. एक और मिसाल समझते हैं. अगर ये एक set जिसमें 3 elements हैं और दूसरा set और उसमें भी 3 elements हैं, तो हम कहेंगे कि दे आर इन 1-to-1 correspondence, मीन्स दे आर इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स के बाद हम बात करेंगे इक्वल सेट्स की. 2 or more sets विच हैव गॉट द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स के लिए ना सिर्फ क्वांटिटी बराबर हो बल्कि उनके एलिमेंट्स का सेम होना भी जरूरी है. आप देखें, ये दो सेट आपके सामने जो लिखे हुए हैं, इनमें एलिमेंट्स सेम हैं. एलिमेंट्स की अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा. हम इसे कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू बी. दो मजीद सेट्स देखते हैं. आप देख सकते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट्स सेम हैं लेकिन एक सेट में एक एलिमेंट डिफरेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके सारे एलिमेंट सेम नहीं हैं. तो हम क्या कहेंगे? ए इज नॉट इक्वल टू बी. अब बात करते हैं ओवरलैपिंग सेट्स की. ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट्स होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं और कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं. डेफिनेशन क्या बनेगी? 2 or more sets विच हैव गॉट सम कॉमन एंड सम डिफरेंट एलिमेंट्स. या हम यूं भी कह सकते हैं, 2 or more sets which have got at least one common and at least one different elements. ये आपके सामने सेट मौजूद हैं और आप इनकी वेन डायग्राम को भी देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. यूजली एक सेट को सर्कल से शो किया जाता है. हम देख रहे हैं कि इनका जो पोर्शन जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, इसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और बाकी वो पोर्शन जो ओवरलैप नहीं कर रहा उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को लिखा जाता है. अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की. डिसजॉइंट सेट्स नाम से ही पता लग रहा है, डिसजॉइंट यानी आपस में जुड़े हुए नहीं हैं. सो 2 or more sets विच हैव गॉट नो कॉमन एलिमेंट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. ये सेट जो आप सामने देख रहे हैं, इनमें कोई एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इनकी वेन डायग्राम भी सेपरेटली बनी हुई है. क्या आप जानते हैं कि सबसेट्स, सुपरसेट क्या हैं? अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ अगली वीडियो देखिए.